तो दोस्तों फाइनली मार्वल वालों ने मिस मार्वल का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और वो भी बिना किसी खैर खबर के। अब चलो ट्रेलर आ ही गया है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेलर में हमें एक टीनेज लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कमाला खान होता है, जो कि अपनी ही बनाई हुई ख्यालों की दुनिया में खोई रहती है, जो कि एवेंजर्स की फैन होती है, खासकर कैप्टन मार्वल की, जो एक जगह पर हमें कैप्टन मार्वल की कॉस्ट्यूम में भी दिखती है, जो शायद अपनी ख्यालों की दुनिया में होती है। इससे ये पता चलता है कि वो भी कैप्टन मार्वल की तरह एक सुपर हीरो बनना चाहती है। और आगे हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि उसे कुछ कंगन जैसा मिलता है जो कि किसी तरह की पावर से लैस होता है, जिसे पहनने से कमाला को सुपर पावर मिलेगी और वो मिस मार्वल बनेगी। और ट्रेलर को देखने से लग रहा है कि शो में कमाला के स्कूल लाइफ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और हो सकता है कि जब उसे अपनी पावर मिले तो उससे कुछ गलतियां भी हो जाए जिसे वो बाद में ठीक करने की कोशिश करे। वैसे इसमें विलन कौन होगा ट्रेलर में तो क्लियर नहीं बताया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो लोग दिख रहे हैं ये हो सकते हैं विलन, या फिर ये जो सूट बूट में दिख रहे हैं ये भी हो सकते हैं। अब रियल में विलन कौन होगा ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इसके बारे में जितना भी मुझे पता चला है, मैं आपको बता दूं कि मार्वल वाले इसकी पावर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मतलब पावर चेंज, मतलब जो कॉमिक बुक में होता था उससे थोड़ा अलग। और जो पूरे ट्रेलर में हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई पड़ता है वो दी वीकेंड का म्यूजिक होता है, वो भी ब्लाइंडिंग लाइट्स, जिसे ट्रेलर में काफी स्मार्टली ऐड किया गया है जो कि ट्रेलर के साथ सुनने में काफी अच्छा लगता है। ट्रेलर जो है कॉमिक बुक की तरह चलता है, मतलब ट्रेलर की जो फुटेज है वो एक फ्रेम में दिखाई देती है और इसमें अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके साउंड इफेक्ट के साथ साथ वहां लिखा हुआ भी आ रहा है। और जो भी कोई डायलॉग बोलता है तो उसके सर पर एक बबल बनता है जहां पर सारे डायलॉग लिखे होते हैं, जैसे कॉमिक बुक में होता है, जो कि शायद हमें कमाला का नजरिया दिखाया गया है, मतलब वो जो दूसरों के बारे में सोचती है वही सब दिखाया गया है। अब 1 मिनट 47 सेकंड के ट्रेलर में हमें जितना भी दिखाया गया काफी पसंद आया, बस इसका शो भी पसंद आना चाहिए जो कि 8 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।